राघोपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिजली तार की चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। 20 बंडल बिजली तार के साथ अंतर जिला चोर गिरोह के 10 चोर को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, जिसके पास से एक पिकअप गाड़ी और दो कार भी बरामद किया गया है। राघोपुर थाना परिसर में देर शाम पीसी में ये जानकारी देते हुए वीरपुर एसडीओपी पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि राघोपुर थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी स्थित महादेव चौक के पास से बिजली तार चोरों के गैंग को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि गैंग में शामिल सभी चोर अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बताया गया कि चोरों के पास से करीब 5 लाख रुपए का बिजली तार, उसे काटने के उपकरण, एक पिकअप गाड़ी व दो कार और 10 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वहीं ये भी बताया गया है कि पुलिस गुप्त सूचना पर छापेमारी कर ये कार्रवाई की है। छापेमारी दल में राघोपुर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार केशरी के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस बल शामिल थे। R9 भारत के लिए दिलदार खान, सुपौल, बिहार। बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 15/1/2024 को सुबह में राघोपुर थाना प्रभारी रजनीश केसरी को सूचना मिला कि कुछ लोग बिजली का तार काट करके पिकअप पे लोड करके सिमराई की तरफ आ रहे हैं और अभी कोरियापट्टी में वो लोग हैं। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए और अग्रतर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों की टीम द्वारा कोरियापट्टी के राघोपुर थाना अंतर्गत स्थित है वहाँ पहुँचा गया तो देखा गया कि जो एक पिकअप में जो है सो लगभग 7 टन जो बिजली का तार होता है, ये 11 KV का है, लगभग 2400 मीटर वो लोड है और उसके साथ साथ दो कार थी। कुल मिलाकर के तीनों गाड़ी पे 10 लोग मौजूद था। उस टीम के द्वारा वो पिकअप को जब्त कर लिया गया जिससे बिजली का तार लोड था और 10 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में जो दोनों कार थी उसको भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ किया गया तो पता चला ये सभी 10 आदमी जो है ये अररिया जिला का नरपतगंज का रहने वाला है, जिसका नाम राजकुमार, सीपक कुमार, अभिनंदन कुमार, नीतीश कुमार, बबलू मंडल, नदानंद मंडल, पप्पू कुमार, मोहम्मद आलम, अरवाज खान और मोनू कुमार है। जब इनसे पूछताछ की गई थी तो बताया गया कि जो पहले भी लोगों के द्वारा कई जिला में इस तरह की घटना किया गया है, यानी बिजली के तार की चोरी की गई है। यह एक अंतर जिला गिरोह है। ये सभी लोग अररिया जिला नरपतगंज का रहने वाला है, लेकिन अलग अलग जिला में घूम घूम करके जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। ये अपने पूर्व में कई घटना को स्वीकार किया गया है, जो हमने अररिया में जैसे घटना किया था, सुपौल में भी पहले इस तरह की घटना किया गया था। हम लोग और इसके अनुसंधान कर रहे हैं कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, उसकी भी कार्रवाई की जाएगी।